Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss DU Antiscam MSc Zoology 2018 paper solution. Okay, now ये part 3rd video and part 3rd के अंदर हम discuss करेंगे question number 41 to 60. Okay, now part 1st and part 2nd के अंदर आपको पता है कि मैंने already 1 to 40 तो अगर आपने नहीं देखा है देन आप मेरे इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना. ओके, साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे आपको 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, द फोर फास्टुलेट ऑफ द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एनकाउंटर फोर. सो यहाँ पे फोर फास्टुलेट पूछा गया है ना, तो यहाँ पे जो कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, इसमें क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्रोटोन एक्यूमुलेशन इन द टूवर्ड द इनसाइड द मेम्ब्रेन्स. ओके, ये जो ईटीसी वाला कंसेप्ट होता है वो सारा आप जाके एक बार चेक कर लेना. ओके, तो यहाँ पे आपको फोर फास्टुलेट पूछे गए हैं. सो यहाँ पे होगा ETC, F1, F0, ATPS, कार्डियोलिपिन एंड द एनायन एक्सचेंजर. ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नाउ सीलिया एंड फ्लेजिला कंटेन अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो यहाँ पे सीलिया एंड फ्लेजिला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स दे कंटेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो जो प्रोटीन होता है डैट इज द डाइनियन. ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट. नाउ इंसेक्ट्स सच एज अ ड्रोसोफिला अंडरगो 3 मोल्ट्स बिफोर अंडरगोइंग मेटामॉर्फोसिस. मोल्टिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच. यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोल्टिंग हार्मोन पूछा गया है. तो सबसे पहले चीज़ ये आती है कि मोल्टिंग होता क्या है. मोल्टिंग क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी इंसेक्ट हुआ या फिर मोल्टिंग हार्मोन जनरली ये स्टेरॉइड हार्मोन है. ओके, जो इंसेक्ट्स होता है या फिर अदर अर्थोपोड्स, उनके अंदर क्या होता है कि जो स्किन होती है ना वो उसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके अपनी जो बॉडी की मीन्स जो लेंथ होती है उसको इंक्रीज करते हैं, है ना. किसी इंसेक्ट के अंदर 3 मोल्टिंग होती है, किसी के अंदर 9 तक हो सकती है, मीन्स 2 से लेकर 9 तक इतनी नंबर में मोल्टिंग वेरिएबल करती रहती है स्पीसीज बाय स्पीसीज. तो आपको पता है जो इंसेक्ट होता है वो मोल्टिंग तो करता ही करता है मैक्सिमम. तो यहाँ पे मोल्टिंग का आपने कॉकरोच की मोल्टिंग भी देखी होगी, है ना. मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी वहाँ पे कॉकरोच की मोल्टिंग की, कि कॉकरोच जब मोल्टिंग करता है अपनी आउटर स्किन होती है वो रिमूव करता है. तो यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज़ द एक्डिसन. ओके, सो तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. ये जो क्वेश्चन है वैसे इंसेक्ट हार्मोन का ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है ना. मैं इतने पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मुझे पता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत रिपीटेटिव आते हैं. तो मेरी सजेशन यही है कि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बायोकेमिस्ट्री, इनके दोनों के पेपर कॉमन होते हैं. तो दोनों के लास्ट ईयर्स के पेपर जितना लास्ट ईयर के पेपर हो सके कोई भी यूनिवर्सिटी लाइक आपका BHU हुआ, DU हुआ या फिर कोई भी, है ना, जिसको पेपर सॉल्व करने में आपको कंफर्टेबल लगता है. नाउ इंजेक्शन ऑफ एंटी विनम टू अ पेशेंट फॉर स्नैक बाइट इज एग्जाम्पल ऑफ. तो यहाँ पे जब स्नैक बाइट करता है तो उसको एंटीविनम देते हैं, है ना. तो ये जो है ये एंटीविनम दे रही थी किसका एग्जाम्पल है. तो कल जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी मीन्स जिससे जस्ट पहले वाली पार्ट सेकंड के अंदर, वहाँ पे मैंने बताया था कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना. एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है. अगर बाहर से हम कोई एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं तो वो होती है पैसिव इम्यूनिटी. ओके, तो यहाँ पे हम बाहर से कोई ड्रग ले रहे हैं मीन्स एंटीविनम ले रहे हैं तो बाहर से ली गई है. सो ये क्या हो गई आपकी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होता है सेकंड करेक्ट. नाउ तो स्टेरॉइड हार्मोन, सबसे पहले चीज़ आती है स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं. आपको पता है वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, ध्यान रखना कैसे होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं. ओके, एंड सेकंड चीज़ क्या होती है, इसकी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर है, इस वजह से क्या होते हैं कि वो लिपिड बाय लेयर को क्रॉस कर सकते हैं,
है ना, लिपिड बाय लेयर का क्रॉस कर सकते हैं, मीन्स इसका जो रिसेप्टर्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो होगा आप उसके न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना। नाउ तो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं उसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स, है ना, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स के मीन्स के ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स है। एंड ये सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं, सिंथेसाइज फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे जो प्रिकर्सर है इसका वो है कोलेस्ट्रॉल। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है आपका फोर्थ करेक्ट। ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ओके, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। किसी किसी में पूछा जाता है कि लाइक एस्ट्रोजन्स हार्मोन है वो कैसा हार्मोन है ना, तो ध्यान रखना कि स्टेरॉयड हार्मोन है। किसी किसी में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन्स का सिंथेसाइज कहाँ से होता है, फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो ऐसे मीन्स घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार देख लेना, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन अ हेटरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इज क्रॉस टू होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस मीन्स दोनों एलील्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, ओके, ये हेटरोजाइगस है, इसका क्या बोला है, क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, मीन्स स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया गया है। नाउ इट इज़ कॉल्ड, तो ये जो क्रॉस होता है मीन्स इस क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ओके। तो जब आपने मेंडेलाइंस के लो पढ़े होंगे तो उसके अंदर बैक क्रॉस आता है। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है कि टू टाइप्स के होते हैं, ओके। एक होता है ऐसे, देखते हैं वापस, है ना, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस, ओके। आउट क्रॉस में क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है मीन्स F1 जनरेशन का हेटरोजाइगस लेंगे एंड उसको क्रॉस कराएंगे इसको क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट के साथ, यहाँ पे रिसेसिव है, यहाँ पे डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। और टेस्ट क्रॉस में क्या है कि यही चीज़ F1 के क्रॉस कराएंगे उसके रिसेसिव के साथ, ओके। दोनों में बस ये डिफरेंट है, आउट क्रॉस अगर दे रखा होता तो यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट आता, बट यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट है, तो यहाँ पे ये रिसेसिव पेरेंट ऐसे है, तो ये टेस्ट क्रॉस में होता है। इसके अंदर नॉर्मल टेस्टिंग होती है कि ये जो है F1 जनरेशन का वो उसका मीन्स गैमेट्स कैसा है, उसके अंदर किस टाइप की कैरेक्टर है, ओके। सो यहाँ पे होगा आपका टेस्ट क्रॉस होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर आयरन सल्फर क्लस्टर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू। तो जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे नॉट ट्रू आए इसको तो अंडरलाइन कर लो। मीन्स क्या होता है कि कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीन्स नॉट ट्रू तो पढ़ते नहीं हो, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्साइटेड होके कि पहला क्वेश्चन हमें आ रहा है, मीन्स ये राइट है ना, चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना जब भी नॉट ट्रू आए तो उसको एक बार अंडरलाइन करो कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पिकअप करना है ना। तो यहाँ पे जो आयरन सल्फर क्लस्टर मीन्स जो यहाँ पे क्या होता है, आयरन सल्फर है, ओके, मीन्स आयरन इज द Fe एंड वो उसका S क्या होता है, S इज द इनऑर्गेनिक सल्फर, ओके। तो ये क्या होता है कि ये यूबीक्यूटिस को फैक्टर कंपोज होता है, ओके। नाउ इसका फंक्शंस अलग अलग जगह होता है, लाइक DNA रिपेयर मैकेनिज्म में, ETC में, फोटोसिंथेसिस में, तो अलग अलग एरियाज में इसका फंक्शन है। नाउ तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे जो ये जो आयरन सल्फर क्लस्टर है इसके बारे में क्या दिया, ऑलवेज एसोसिएट विद साइटोक्रोम, तो ऑलवेज दे रखा है, तो ये आपका स्टेटमेंट होता है इनकरेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 48, ऑफ द अर्ली फिश विज लेड टू एक्सटेंट फिश ऑफ टूडे। तो जो अर्ली फिश थी यहाँ पे अब एक्सटेंट हो चुकी है टूडे। सो यहाँ पे आंसर होगा आपका एकेंथोडियंस, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। नाउ पैलेकोडर्म्स तो ऑलरेडी पहले से ही मीन्स को अभी देखा ही नहीं, ऑलरेडी फॉसिल्स के रूप में ही थी, है ना, तो ये होगा नहीं आंसर। ये जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्पाइनी सार्क भी बोलते हैं, मीन्स इसके दोनों कैरेक्टर लाइक बोनीफिश के भी कैरेक्टर और कार्टिलेज के भी कैरेक्टर है। तो आप जोलॉजी के हो तो आपको अच्छे से पता होगा, ये आप नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी अभी BSc में खूब पढ़ रहे होंगे ना। नाउ व्हाट इज़ द गुड सॉल्वेंट फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, बिकॉज वाटर इज़ द गुड सॉल्वेंट, सॉरी वाटर क्या है, गुड सॉल्वेंट है फॉर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट।
क्यों है? बिकॉज जो वाटर होता है वैसे उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल गुड सॉल्वेंट बोला जाता है, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो किसी के साथ भी घुल जाता है ना, मीन्स तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है ना। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी जब भी किसी के साथ मीन्स किसी के साथ जब ये मिक्स होता है तो ये पॉलरिटी शो करता है, ओके, मीन्स यहाँ पे प्लस एंड माइनस दोनों चार्ज होते हैं, ये ब्रेक हो जाता है एंड वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है उसके साथ। सो यहाँ पे जो आपकी की है उसके अंदर आंसर नहीं दे रखा है क्योंकि इसके दो आंसर है, आपका जो आंसर है दैट इज अ पॉइजन बॉन्ड, तो दोनों करेक्ट है, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। नाउ इफ द सिक्वेंसिंग कोडिंग स्टैंड इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ ZA, ओके। नाउ द सिक्वेंस ऑफ mRNA ट्रांसक्राइब फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो यहाँ पे mRNA का पूछा गया है, तो ये mRNA बनेगा तो बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्या होगा कि mRNA बनता है तो T चेंज होता है U में, है ना, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ T है वो U में चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ T यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पे देखो यू यू है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे यू यू हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ये करेक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन फ्यूजन अकर एट, यहाँ पे जो रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन है इसको, ये भी अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैंने 2019 के अंदर कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था, ओके, एंड सिलेबस वाली वीडियो के अंदर मेंशन भी किया था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये वैसे काफ़ी ज़्यादा लास्ट ईयर की, एक मीन्स आप 16-15 के अंदर भी ये आ रखा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ट्रांसलोकेशन फ्यूजन अकर एट सेंट्रोमियर, ओके। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सिम्पोर्टर आर को ट्रांसपोर्टर दैट ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट कैसा है, को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसमिट मीन्स सिम मतलब साथ में, है ना, एंटी मतलब अलग, ये चीज़ आपको याद बताई थी मैंने, तो मीन्स सिम्पोर्ट मीन्स दो कोई मॉलिक्यूल्स है वो साथ में आ रहे हैं, आयन्स या फिर मॉलिक्यूल साथ में आ रहे हैं, दैट इज़ अ सिम्पोर्ट। तो यहाँ पे जो सोडियम है एंड ग्लूकोज है वो जब एंटर करते हैं तो ये साथ में आते हैं, तो ये सिम्पोर्टर उसका चैनल होता है। तो यहाँ पे जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आता है वो होता है ग्लूकोज, ओके। सोडियम होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्लूकोज अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। सो ऑप्शन नंबर सेकंड होता है आपका करेक्ट। नाउ बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वेसाइकल रिक्वायर, तो जो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है वेसाइकल्स का क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, ये अगेंस्ट माइक्रोट्यूबल से क्वेश्चन है ना, तो बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एसोसिएट ऑफ डायरेक्टेड मोटर, सो ऑप्शन नंबर होगा आपका करेक्ट फोर्थ सेकंड, ओके। नाउ फेरेंजियल गिल स्लिट, तो यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट, तो ये क्या होता है कि जो कॉर्डेट होता है उसका यूनिक कैरेक्टर है ना, दे आर द यूनिक कॉर्डेट कैरेक्टर, तो ऑप्शन होगा आपका फोर्थ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सीलिएट सुडोस्टेटेड कॉलमनर एपिथीलिया इज फाउंड इन, तो जो सीलिएटेड सुडोस्टेटेड सेल्स होती है वो कैसी होती है, मीन्स ये जो सेल्स है वो ऐसे सीलिया छोटे सीलिया होते हैं, ये जो प्रेजेंट होती है वो ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे होती है, ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये था। नाउ तो ये क्या हेल्प करती है, मीन्स ये करती है कि ये जो सेल है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन, एंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है तो ये क्या करती है कि जैसे फॉरेन पार्टिकल आपकी नोज़ के अंदर एंटर करते हैं, ट्रैकल के अंदर जाते हैं, तो ये इसका मीन्स स्टिकी नेचर है म्यूकस का, तो वो जो फॉरेन पार्टिकल होता है इस म्यूकस के साथ बाइंड हो जाता है, फिर जब भी हमें छींक आती है या फिर कफिंग होती है तो उस कंडीशन में वो आउट हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा द लाइनिंग ऑफ ट्रैकियल एपिथीलिया अपर ट्रैकियल ट्रैक, ओके। नाउ एंड जो यहाँ पे मेल वैसे डिफेंस होते हैं वहाँ किसके अंदर, नॉन सीलिएटेड सूट होती है, कैसे होती है, नॉन सीलिएटेड, ध्यान रखना, ओके। सो यहाँ पे आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ इन इनवर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज बिलीव टू हैव ट्रांसफॉर्म इनटू थायरॉइड ग्लैंड, तो यहाँ पे जो इनवर्ट कौन सा स्ट्रक्चर है कि बिलीव सोचते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर ट्रांसफर हुई होगी, तो जो लार्वल लैम्प्रे है ना,
तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एंडोस्टाइल्स का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि थायरॉइड ग्लैंड की जैसे एक्ट करता है, मींस उसमें चेंज होता है, मींस यहाँ पे जो आयोडीन कंसंट्रेटिंग एक्टिविटीज शो करता है. ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58. डीएनए डबल हेलिक्स स्टेबलाइज बाय. तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है ना, और दोनों न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन है. तो एक तो आपका होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जो बेस होगी, ये जो बेस है वो स्ट्रिक्टली इंट्रैक्ट होती है ना. ये जो बेस है यहाँ पे वो पेंटो सुगर एंड नाइट्रोजन के साथ स्ट्रिक्टली इंट्रैक्ट होती है. सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बेस स्ट्रिक्टली इंट्रैक्शन दोनों होता है, दोनों के थ्रू स्टेबलाइज होती है. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है थर्ड करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इन वेरिंग सीजन्स. ओके, अलग अलग सीजन में डेफनिया की थ्री फॉर्म्स होती है. नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, तो इस टाइप के फिनोमिना को क्या बोलते हैं? तो ये जो फिनोमिना है उसको हम बोलते हैं साइक्लोमॉर्फिज्म. ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ होता है करेक्ट. सोइंग कोडोमिनेंस, लोअर क्लासेस 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना कोडोमिनेंस क्या होता है. कोडोमिनेंस का मीन्स होता है कि दो एलील्स अपनी दोनों अपने कैरेक्टर को शो करता है. मींस ओके, मींस आप ऐसे मानो कि ए ब्लड ग्रुप है बी ब्लड ग्रुप है. जब किसी पर्सन के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होता है, मींस इसमें ए एलील भी शो कर रहा है एंड बी एलील भी शो कर रहा है. दोनों एलील्स कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट है मींस हेटरोजाइगस कंडीशन में, और दोनों अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, दोनों डोमिनेंसी दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, हैज बोथ एलील इज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस, दोनों इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहा है ना. तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम बोलेंगे ये जो कोडोमिनेंसी मीन्स दोनों कैरेक्टर शो होना. सो ऑप्शन नंबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट. ना तो यहाँ पे हमने जो 60 क्वेश्चन से सारे 16 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए. ओके, तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर 62, 61 to 80 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी. फिर उसकी नेक्स्ट होगी उसके अंदर 80 to 100, तो मीन्स टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं. तो सारे आपके सारे पार्ट फिफ्थ के अंदर आपके कंप्लीट सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे. इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में शेयर कर सकती हो. ओके, साथ ही साथ मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का @kavishacademy, वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकती हो. वहाँ पे जितनी भी स्टडी मटेरियल मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी. ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. साथ ही साथ मेरे इस चैनल पे आपको 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर देखना उसको. ओके, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.